अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CS 403 लेक्चर नंबर 26 देखेंगे। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने CS 403 के लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 25 तक लेक्चर जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग मेरा चैनल विजिट करेंगे, वहाँ पर आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं 45 तक लेक्चर अपलोड करूँगा और ये लेक्चर मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ अपनी तरफ से, ताकि आप लोग जो है फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में आसानी से जो है वो हल कर सकें एग्ज़ाम। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। इसमें हम क्या रीड करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कमांड ऑफ SQL के बारे में, ठीक है। फिर आगे उसकी एक कमांड को लेके हम पूरा लेक्चर कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें कैटेगरीज ऑफ SQL कमांड, यानी कि SQL कमांड की कैटेगरीज क्या हैं। तीन तरह की SQL कमांड्स होती हैं, दो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी और एक इसमें जो है वो अब और ऐड हुई है। पहले पास हमारे पास थी DCL डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और अब हम पढ़ने वाले जो हैं वो है DDL। वी विल नाउ स्टडी, अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये इसका यहाँ स्टैंड फॉर लिखा हुआ है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आज आज के इस लेक्चर में हम ये वाले जो है वो कमांड पढ़ने वाले हैं DDL। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहले तो हम पढ़ेंगे कि DDL में क्या चीज़ें होती हैं। द स्कीमा ऑफ ईच रिलेशन, इसमें हम स्कीमा के मुतलक पढ़ते हैं। जो भी रिलेशन होगा हमारे पास बना हुआ, उसका जो स्कीमा होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, उसका जो ढांचा होगा, उसको कहते हैं स्कीमा। तो वो इसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे, द डोमेन ऑफ द वैल्यूज एसोसिएटेड विद ईच एट्रीब्यूट, ठीक है। उन डोमेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उन डोमेन्स की वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे जो कि एट्रीब्यूट्स के साथ एसोसिएट होती हैं। इंटीग्रिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रुकावटें या फिर रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। तरतीब के इंटीग्रिटी होती है किसी चीज़ को तरतीब देना, तो इसके मुतलक हम पढ़ेंगे। द सेट ऑफ ईच रिलेशन, तो इंडेक्सेस के सेट का रिलेशन हम पढ़ेंगे। स्पोर्टी एंड ऑथराइजेशन इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑन डिस्क, ये चार चीज़ें, पांच चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे DDL में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग आर द थ्री डिफरेंट कमांड ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की भी आगे तीन कमांड्स हैं जिनको हमने वन बाय वन पढ़ना है। आज के इस लेक्चर में ओनली हम ये क्रिएट वाली कवर कर रहे हैं, क्योंकि इस ये पूरा लेक्चर क्रिएट की कमांड पे है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी तीन कमांड जो हैं हम आगे पढ़ेंगे। तो लिस्ट ऑफ DDL कमांड ये देख लें, इसमें कौन सी कमांड होंगी DDL में जो हम रीड करेंगे, जो यहाँ पे उन्होंने लिखी हैं कि फॉलोइंग आर द थ्री कमांड्स, ठीक है। यानी कि ये कौन सी तीन कमांड है वो आपको बता दूं, मैंने सोचा। तो ये पहली है क्रिएट। क्रिएट में क्या होता है, दिस इज कमांड इज यूज टू क्रिएट द डेटाबेस आर इट्स ऑब्जेक्ट। ये किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए या फिर इसके ऑब्जेक्ट्स को जो है वो क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, लाइक अ टेबल, इंडेक्सेस, फंक्शन, व्यू, स्टोर और प्रोसीजर आ जाते हैं, ट्रिगर्स आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, इस क्रिएट की कमांड में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। ये हमने रीडिंग की है, इसकी क्रिएट की कमांड की डेफिनेशन पढ़ी है, इसको माइंड में रख लें कि क्रिएट की कमांड की डेफिनेशन क्या है। दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट द डाटा बेस आर इट्स ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल, इंडेक्सेस, फंक्शन, व्यू, स्टोर, प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर्स। तो इससे आगे है हमारा दूसरे नंबर पर जो आगे DDL की कमांड हम पढ़ रहे हैं, ये ना डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की भी आगे कमांड है ना, उनमें से हम पढ़ रहे हैं। ये आगे है फिर ड्रॉप, तो ड्रॉप की भी डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज कमांड इज यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डाटा बेस। पहली क्या थी, किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती थी। यहाँ से पढ़ें तो ये किस लिए इस्तेमाल होती थी, क्रिएट की कमांड, क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स इन डेटाबेस, ये डेटाबेस को या फिर डेटाबेस में ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन ड्रॉप में क्या होता है, डिलीट
डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम डेटाबेस, ठीक है, ये आपकी डेटाबेस को डिलीट करने के लिए या फिर उसमें से किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है आपकी ये जो कमांड है ना ड्रॉप की। आगे है अल्टर की कमांड, ये भी डीडीएल की कमांड है। दिस इज यूज्ड टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ठीक है, तो ये डेटाबेस स्ट्रक्चर को अल्टर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे, इसके मतलब डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बस ये तीन मैंने बताना थी कि ये जो हैं वो इसकी तीन टाइप्स हैं हमारी जो है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। तो इस आज के इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या है, वो जस्ट क्रिएट की कमांड है ये वाली, ठीक है। तो ज़रा अगर मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दूँ ये वाली, ठीक है। तो इसके अलावा एक डेफिनेशन यहाँ पे ऐड की गई है डीडीएल की, ताकि डीडीएल की डेफिनेशन भी अगर आ जाए तो आप लोग इसको आसानी से लिख पाएं। इसको हम ज़रा रीडिंग कर लेते हैं। आर डीडीएल इज द लैंग्वेज यूज टू डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाई डाटा, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसको आप लोगों ने माइंड में रख लेना है, इतनी इसकी डेफिनेशन है, ये रेड कलर बॉक्स में नजर आ रही है, ठीक है। आर डी डी एल इज द लैंग्वेज यूज टू डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाई डाटा। इसके एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल डी डी एल कमांड कैन बी यूज टू एड रिमूव आर मॉडिफाई, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे क्रिएट की कमांड ऐड करने के लिए, ड्रॉप की कमांड रिमूव करने के लिए, और आल्टर की कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है, अपडेट करने के लिए, जिसको हम कह सकते हैं कि मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है फ्रेंड। तो ये चीज थी, ठीक है, इसमें ये इसकी डेफिनेशन थी। फिर आगे एग्जांपल है। इससे अलावा हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, क्रिएट कमांड वाले पे, कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। इसकी जरा डेफिनेशन आप लोगों को सबसे पहले करवाऊंगा कि क्रिएट कमांड की डेफिनेशन क्या है। तो ये रही आपकी क्रिएट कमांड, व्हाट इज क्रिएट कमांड इन एसक्यूएल। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपने डेफिनेशन उसकी लिखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्रिएट कमांड इज आर डी डी एल एसक्यूएल कमांड, इसके साथ पहले आपने लिखना है डी डी एल। डी डी एल क्यों? क्योंकि ये क्रिएट कमांड जो है वो डी डी एल कमांड की टाइप है, ना कि एसक्यूएल की। एसक्यूएल की जो तीन टाइप थी वो थी डी एम एल, डी सी एल और डी डी एल, ये एसक्यूएल की थी। अब डी डी एल की ये टाइप है, ठीक है। तो पहले यानी एसक्यूएल की तीन टाइप थी, डी डी एल, डी सी एल, डी एम एल। अब डी डी एल की तीन टाइप्स हैं जो मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ, ड्रॉप, आल्टर और साथ में क्रिएट। अब उन्हीं में से एक क्रिएट जो है वो डी डी एल की टाइप है। तो इज आर डी डी एल एसक्यूएल कमांड यूज टू क्रिएट अ टेबल आर अ डेटाबेस इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी डेफिनेशन इसकी बेस्ट है। आप अगर ये करना चाहें तो ये तो बेहतरीन डेफिनेशन लिखी हुई है, ये जो ऊपर मैंने आपको करवाई ना, दिस इज कमांड इज यूज टू क्रिएट द डेटाबेस आर योर सब्जेक्ट्स लाइक टेबल, इंडेक्सेस, फंक्शन, व्यू, स्टोर, प्रोसीजर्स एंड ट्रिगर, ये सारा कुछ करने के लिए क्रिएट की कमांड जो है वो इस्तेमाल होती है। इन दो डेफिनेशन में से आपको जो भी इजी लगे आप उसको कर लें। नीचे एक और एक्स्ट्रा डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके मतलब भी हम जरा पढ़ लेते हैं। रेड बॉक्स में इसको जरा हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाली। इसमें देखें तो एसक्यूएल क्रिएट कमांड इज द टाइप ऑफ डीडीएल कमांड, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड इज मांग द कमांड विच इज प्रीमेनली यूज फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस एंड टेबल, जो कि है वो डेटाबेस या फिर टेबल को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। द क्रिएट कमांड हैज अ पर्टिकुलर सिंटैक्स विच नीड्स टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू क्रिएट डेटाबेस आर द टेबल्स विद, वो कह रहे हैं कि जो क्रिएट की कमांड होती है उसका एक सिंटैक्स है जिसको फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, डेटाबेस या फिर डेटाबेस में टेबल को क्रिएट करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो देखते हैं भाई इसका सिंटैक्स आखिर क्या है। तो ये इसका सिंटैक्स है, ज़रा जूम करता हूँ फिर आप लोगों को यहाँ से रीडिंग करवाता हूँ सिंटैक्स के रिलेटेड। ये देखें, ये है आपका सिंटैक्स क्रिएट की कमांड का, ये वाला हाईलाइट करता हूँ रेड कलर में, फोकस कीजिएगा ये वाला। अब देखें इसमें क्या है, क्रिएट टेबल है, क्रिएट टेबल के बाद जो है टेबल का नेम आ गया, फिर यहाँ पे सारा इम्प्लाई नेम हो गया, इम्प्लाई आईडी होगी, इम्प्लाई कोड हो गया। अब इसमें जो आप लोगों ने याद रखना है वो मेन चीज ये है कि ये जो कोमा का साइन है ना ये वाला, ये आप पहली के साथ यूज करेंगे, दूसरी के साथ करेंगे, तीसरी के साथ करेंगे,
चाहे 10 हो तो 9 के साथ करेंगे, 10वीं के साथ नहीं करेंगे, जैसा कि इसमें से लास्ट वाली के साथ कोमा यूज नहीं हुआ। इस चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पर यह यूज नहीं होता, ठीक है। और इसमें और भी एक चीज का ख्याल रखना है सिंटैक्स में, इंप्लाई के दरमियान स्पेस यूज नहीं कर सकते। अंडरस्कोर यूज किया है ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं यूज होगी, यानी इंप्लाई स्पेस इनफू नहीं हो सकता। कोई ना कोई संबल साइन वगैरह यूज होना जरूरी है, जैसा कि यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया गया है। तो ये एक करेक्ट सिंटैक्स का तरीका कार है इसका, ठीक है। तो ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन थे, इसके कॉन्स्टेंट थे, रुकावटें थी, यानी कि लास्ट वाली जो आपकी होगी इसमें इसमें कॉमा नहीं आएगा और यहाँ पे स्पेस नहीं आ सकती, ठीक है। इसका और सिंटैक्स भी शायद यहाँ पे मैंने ऐड किया हो तो आप लोगों को वो भी करवा देते हैं। तो ये देखें क्रिएटेबल साथ में यहाँ पे इसका सिंटैक्स है, जूम कर रहा हूँ इसको जरा, ये देखें क्रिएटेबल का। तो इसमें देखें इसमें भी वही चीज बताएगी, या क्रिएट टेबल, टेबल नेम आएगा, जैसा कि हम नीचे पढ़ चुके थे, टेबल नेम आया। फिर एक चीज वही यहाँ पे जो बार बार आप लोगों को बताऊंगा कि इस चीज का सिंटैक्स लिखने में ख्याल करना है, ये वाला जो है ना, ये वाला कोमा जो है यहाँ पे यूज नहीं हुआ, ये देखें यहाँ पे यूज नहीं हुआ हुआ, तो ये यूज नहीं करना, ठीक है। तो टेबल नेम में यहाँ पे आपने स्पेस भी यूज नहीं करनी, ये जस्ट टेबल नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। तो ये सिंटैक्स का तरीका कार है। आप कितने भी कॉलम बनाएं, कॉलम 1 बनाएं, कॉलम 2 बनाएं, कॉलम 3 बनाएं, कॉलम 4 बनाएं, लेकिन आप अगर कॉलम 4 बनाते हैं तो कॉलम 3 के साथ कोमा लगाए हो, कॉलम 4 के साथ कोमा नहीं आएगा आपके टेबल में, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने यहाँ पे वाजा करने की कोशिश की है, ठीक है। तो और भी एक इसका सिंटैक्स है, ये देखें ये भी एक सिंटैक्स है। सिंटैक्स आप लोगों को बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का इसके रिलेटेड जो है वो डाउट क्लियर हो जाए। ये देखें ये भी एक सिंटैक्स है, इसमें टेबल नेम आएगा, कॉलम 1 आएगा, कॉलम 2 आएगा, तो फिर लास्ट वाले के साथ कोमा नहीं आएगा, यहाँ पे कोमा नहीं आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब हम हैंड आउट से देखते हैं थोड़ा सा, हमारा लेक्चर तकरीबन कवर हो चुका है। द फर्स्ट डाटा मैनेजमेंट स्टेप इन अ डेटाबेस प्रोजेक्ट टू क्रिएट द डेटाबेस, ये हमने डेफिनेशन वहां से पढ़ी है, बहुत अच्छे से लिखी हुई थी। क्रिएट कमांड की डेफिनेशन वही आप लोग करेंगे, क्रिएट की कमांड यूज भी होती है। तो यहाँ से हम कुछ रूल एंड रेगुलेशन बस देखेंगे, ये देखें वही अंडरस्कोर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पेस नहीं यूज कर सकते, आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्पेस वहां पे अलाउ नहीं है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, टू क्रिएट अ टेम्परेरी टेबल इज एज टेम्प, ये एट्रीब्यूट मस्ट बी स्पेसिफाइड, ठीक है। अगर आप टेम्परेरी टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो एज टेम्प एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करना जरूरी होगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, नोट द क्वेरी अगेंस्ट अ टेम्परेरी इन मेमरी टेबल इज जनरली फास्टर देन दिस बेस टेबल। इससे आगे चलते हैं, हाँ तो वो कह रहे हैं कि अगर आप इस किसी चीज को, यानी कि दिस इज कमांड इज नॉन ट्रांजेक्शनल इफ नो फाइल साइज इज गिवन फॉर अ डिस्क बेस टेबल, अगर आप किसी टेबल को यानी कि वो साइज नहीं देते तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली 1 MB जो है इसको एलोकेट कर देता है। ये देखें प्री एलोकेटेड टू 1 MB, तो उसके लिए 1 MB की जो स्पेस है वो क्या हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ बताया गया है कि क्रिएट टेबल्स की जो कमांड है क्यों यूज होती है, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि क्यों यूज होती है। क्रिएट अ टेबल, डिफाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल विद डाटा टाइप्स, यानी ठीक है आपकी जो एट्रीब्यूट्स होती हैं टेबल की उसके डाटा टाइप के साथ डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिफाइन डिफरेंट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट जैसा कि रुकावटें होती हैं, रूल हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर, और एट्रीब्यूट लाइक प्राइमरी एंड फॉरगेटिंग कीज, चेक कॉन्स्टेंट नॉट नल वगैरह, तो ये सारा किस में होता है, ये है क्रिएट टेबल कमांड इज यूज टू, ये इसके कुछ लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं देखते हैं यहाँ पे कुछ अगर पढ़ने वाली और चीज हुई हमारी तो उसको रीड करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे कुछ टेबल नेम के बारे में बताया गया है,
द नेम चूजन फॉर आर टेबल मस्ट बी वैलिड नेम फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो कह रहे हैं कि आप जो टेबल के लिए नेम रखेंगे ना टेबल क्रिएट करते टाइम, वो वैलिड नेम होना चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से। अगर आप एक एयरपोर्ट की डेटाबेस बना रहे हैं तो ये एयरपोर्ट एक वैलिड नेम है। अगर आप यूनिवर्सिटी की डेटाबेस बना रहे हैं तो यूनिवर्सिटी का जो नेम है वो एक वैलिड नेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से कॉलम नेम है तो उसमें भी वैलिड नेम आने चाहिए, जैसा कि एयरपोर्ट का कॉलम हो गया, इसमें नेम्स आ गया, फ्लाइट इन्फो यानी फ्लाइट की इंफॉर्मेशन जो है वो भी आपकी क्या है, एक वैलिड नेम है, ठीक है। तो ये नेम के मतलब बताया गया है, द नेम चूजन फॉर द कॉलम ऑफ आ टेबल मस्ट आल्सो बी वैलिड नेम फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जब भी आप कॉलम क्रिएट करें या टेबल क्रिएट करें तो उसके लिए आप एक वैलिड नेम चूज करेंगे जो कि डेटाबेस में वैलिड नेम माना जाता है, ठीक है। आप जिस चीज की डेटाबेस बना रहे हैं उसके रिलेटेड वो एक वैलिड नेम होना चाहिए, जैसा कि फ्लाइट इन्फो वाकई एयरपोर्ट के रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम वो तो नहीं लिख सकते कुछ और प्राइस वगैरह या किसी और चीज की, तो फ्लाइट के मतलब ही लिखेंगे, इसी की इंफॉर्मेशन लिखेंगे, तो इसलिए ये एक वैलिड नेम है। तो यहाँ पे डाटा टाइप्स हैं आगे यूज होंगी, जाहिर सी बात है जब भी आप कोई कॉलम वगैरह बनाते हैं या टेबल बनाते हैं उसमें जब डाटा स्टोर करते हैं तो उसमें मतलब जो है वो डाटा टाइप्स यूज होती हैं। डाटा टाइप्स पिछले लेक्चर में हमने पढ़ी थी, इंट करेक्टर की और सारी जो बाकी स्ट्रिंग वगैरह की डाटा टाइप्स हैं उनको हमने पढ़ा है डिटेल में पिछले लेक्चर में। ईच कॉलम मस्ट बी एलोकेटेड एंड अप्रिशिएट डाटा टाइप, आपका हर कॉलम जो है वो कोई ना कोई डाटा टाइप से जो है वो एलोकेट करेगा। इन एडिशन की इस कॉलम यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई इनविजिबल रो ऑफ अ गिवन टेबल मस्ट मे बी स्पेसिफाई टू बी नॉट नल, आपकी जो वैल्यू है वो नल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसकी कोई ना कोई डाटा टाइप जो है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विल देन इंश्योर डैट कॉलम स्पेसिफाइड एज नॉट नल, आपका कॉलम जो है वो नल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए। ऑलवेज कंटेन अ वैल्यू, उसमें हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, ये इसकी एक यानी कि शर्त थी, रेगुलेशन था, कॉन्स्टेंट था, इसको कहेंगे रूल एंड रेगुलेशन, द कॉलम डेफिनेशन एक्सप्लेन अंडर। ये इसके कुछ कॉलम लिखने का सिंटैक्स दिया गया है आप लोगों को, आप लोगों ने इस तरह से इनको याद कर लेना है ताकि अगर आपसे सिंटैक्स पूछे जाएं तो सिंटैक्स आपको एज इट आना चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में आपको बार बार सिंटैक्स के मतलब बताया है। तो फ्रेंड ये जो एक एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड की हुई है ये वाली, तो ये एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, डेटाबेस क्रिएट की हुई है, ठीक है। आगे फिर उसमें ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट है, डीबीओ डिपार्टमेंट है, उसकी ये डेटाबेस है, फिर उसमें ये कॉलम बनाए गए हैं, दो कॉलम है डिपार्टमेंटल प्राइमरी की यहाँ पे यूज की हुई है। तो इस तरह से ये कीज वगैरह है, बाकी कीज वगैरह ट्रिगर इंडेक्सेस स्टेटिक्स, तो ये एक मुकम्मल डेटाबेस एग्जाम्पल है। इस तरह से आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं, बहुत जल्द हमारी जो है वो असाइनमेंट आएगी इसके रिलेटेड, डाटाबेस क्रिएटिंग के रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे अच्छे से फिर कि किस तरह से डाटाबेस जो है वो क्रिएट की जाती है, प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह उसके मुतल्लिक। तो फ्रेंड ये आज का आपका लेक्चर था कवर हुआ, तो अगला लेक्चर आई थिंक 27 है, वो भी मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोग नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।